ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ टू फेस्ड पॉलिटिक्स जी सिखा खेडी जाती है। जे सिख अपने हक की गल करेगा उन्होंने कहणगे तू अतवादी है, जे सिख अपना निशान हाथ च फड़दा है उन्होंने कहिंदे तू अतवादी है, जे संतां की गल करेगा उन्होंने डिकलेयर कर दिता कि अतवादी है। तो संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले संत सी ते वह जिहड़े आ वह अतवादी नहीं सी। बीजेपी के प्रशंसक को जाती है तो तुहानू भी खालिस्तानी कह के बुलांदा है, ये चीज़ां ये चीज़ां किवें मैनू कहिंदे ना माड़ी गल। मैनू कई वारी ऑनलाइन कह भी दिता तुसीं अतवादी आ कादे करके, जे साडे निशान दे करके है ते ये निशान उही है जिहड़ा तुहाडा राजनाथ सिंह मंत्री ते लेह लद्दाख च जाके अपने हाथ च इन्हें निशान फड़िया ते जकारे लगाए आ कि बोले सोने हाल सत श्री अकाल, फिर उदों ये अतवादी नहीं सी। सिखां नूं तख्तां नालों भी उत्ते सिखी है, जे सिख कोल सिखी नहीं तो तख्त ते सिख जिहड़ा ए उह बैठ नहीं सकता, क्योंकि फिर सिख ही नहीं। जे सिखी नहीं तो तख्त ते बैठा बंदा सिख किवें होया। दलजीत सिंह दी गल आउंदी है तो फिर उस तो बाद जो दोबारा गल करदे तो उदों कहिंदे कोई किस को राज ना देह है जो ले है निज बल से ले है। इहदे नाल तुसीं किन्ना सहमत हुंदे हो? बल वरतना चाहीदा, हां बल वरतना चाहीदा, पर वरतना किहड़ा है? देखो गल्लां ते कर्म, जे संत करतार सिंह ने तकड़ी जी तोलिया तो गल्लां दे नाल करम उस तो ज़्यादा भारे से। बिल्कुल बिल्कुल, जो अपने ते आई फिर अपने ते आई तो पूरी हंडाई क्या कि तुहाडे केसां दी जिहड़ी आ केस कतल करने पैने हैं, तो महापुरखां ने अपने धौन के उत्ते हाथ फेर के कहा कि मैं यही नारा दिता है कि सिर जावे तो जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। गुरु महाराज कहिंदे ने ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, तो मर किवें सकदा? अज आपां उहनां दी गल्लां कर रहे हैं। जे धर्म की गल आवे तो उधर भी ना डोलन, तो जे सरकार नाल फेस ते गल करनी है टेबल टॉक करनी है उधर भी एक सिख नौजवान जिहड़ा ना डोले। दिस इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ अमर शहीद भाई साहब भाई जी। भाग तेरे वड्डे है, भाग तेरे वड्डे है कि इत्थे आउणा मिलिया। हाँ, तो जिन्ने तेरे शरीर दे उत्ते केस ने रोम ने उन्नी वारी भी तू बाजियां मारदी भी आवे ना ते अपना सीस गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दे चरणां च भेट कर दोवें, फिर भी तुसीं इस कौम दा एहसान अपने तो नहीं सी ला सकते। जे कुरबानी ना दिंदे, जे शहादत उहनां दी ना हुंदी ते बीबी तो अज इधर बुरके च बंद होके खड़ी होणा सी। जिथे इंसान दी बुद्धि दा पद्धर कोई भावें जिन्ना मर्जी छात्र दिमाग होए, किन्ने आई क्यू वाला होए, वीर बल वाला होए, जिथे उहदी बुद्धि मुकेगी उत्थे गुरमत शुरू हुंदी है। सो उन्हों कन्फाइन नहीं किया जा सकता, इंटलैक्ट कभी आ नहीं दस सकती कि बाबा दीप सिंह जी का सीस उन्होंने हाथ के किमें है। गुरु घर का सिद्धांत यह है कि खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौहान वरना को सांझा, पर गुरु महाराज ने सारियां नूं थां दित्ती, सारियां नूं स्पेस दित्ती, पर फिर भी बेअदबी के मसले जिहड़े है वह भावें पहलियां सरकारां सी संतों के टाइम पर भी सरकारां उदों भी बेअदबियां हुंदियां रहियां ते अज भी जिहड़ियां बेअदबियां निरंतर हो रही ने इहदे ते काबू कोई नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सज़ा नहीं, कोई लैणा नहीं, कोई देना नहीं। श्रीमान असीम गोयल हरियाणे के MLA ने उन्होंने शब्द लिया है कि असी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जे मैनूं लेबल तुसीं लाउंदे हो ना अतवादी का, तो जे देश तोड़ना अतवाद के अधीन आउंदा है तो जिहड़े हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उन्होंने शब्द खाधी है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मारेंगे, तो वो अतवाद नहीं। सत श्री अकाल, मैं गुरपाल सिंह बराड़, पंजाब प्रथम देख रहे हो तुसी और तुहाडा सब का स्वागत है। अज असी पहुंचे हाँ शहर अमृतसर दे विच, गुरु की नगरी दे विच। इत्थे एक बहुत कमाल की शख्सियत साडे नाल हाजिर ने, उन्होंने नाम है सरदार कंवर चढ़त सिंह। साढ़े 13वीं मुखी से जो दमदमी टकसाल के बाबा करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, उन्हां दे इह पोतरे ने और इन्हां दे नाल बड़ियां कमाल दियां गल्लां होणगियां। ओबियसली जदों NRI लोग सानूं मैसेज करदे ने तां उह जरूर सानूं इहो जिहे लोकां दे बारे कहिंदे ने कि उन्हां दा इंटरव्यू सामने लैके आओ, क्योंकि जानना चाहुंदे ने कि करतार सिंह होर वर्गी शख्सियतां ने जिन्हां ने सिख कौम के लिए अपना सारा कुछ ला दिता, जिन्हां ने अपने घर तक घर परिवारों का मतलब कोई परिवारों वाल नहीं देखा, सारा कुछ अपनी कौम के लिए निशावर किया। और उस तो बाद इन्होंने संत करतार सिंह जो इन्हों के दादा जी ने, इन्होंने
संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले जो कि 14वें मुखी से दमदमी टकसाल दे उन्होंने तराशिया सी। अज कवर चढ़ सिंह साडे नाल ने और इस टाइम वो ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रधान भी ने, सिख प्रचार कर भी रहे ने और इन्हों का प्रचार करन दा तरीका जिहड़ा वो बहुत मॉडर्न है और बहुत सुचज्जा है और बहुत साफ सुथरा भी है और तकरीबन ऑल ओवर वर्ल्ड के जिहड़े सिख ने जां सिखी नूं प्यार करन वाले ने वो इन्हों का सत्कार करते हैं, इन्हों का स्वागत करते, इन्हों का सवाल जवाब करांगे। कुछ चीज़ा ने जिहड़ियां क्लीयर करन वालियां ने, कुछ कन्फ्यूजनस ने साडे अपने सिखां दे विच जो हमेशा सिखी नूं जे ढा लाई है तो इन्हां कन्फ्यूजनस ने लाई है। तो एक नौजवान है, इह नौजवान दा जिहड़ा दिमाग हुंदा हमेशा जगदा हुंदा, डिफरेंट हुंदा, तो सारियां गल्लां करन दे लई अज साडे नाल हाज़र ने। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कंवर जी, बाबा करतार सिंह जी होरां दे पुत्र हो, पहली गल तो यही बहुत माण वाली होनी है तुहाडे वास्ते। देखो जी, कोई चंगे भाग किते होणगे इक निमाणे नूं संत बाबा करतार सिंह खालसा भिंडरां वालियां दे परिवार दे विच जन्म लैण दा मौका मिलिया। भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी दे भतीजे होण दा जिहड़ा इह माण प्राप्त होया, मैं समझदा कि कोई वड्डे भाग किते होणगे, कोई निमाणे नूं गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने माण बख्शिश कीता। मैं एक दसवीं गल भुल गया, भाई अमरीक सिंह जिन्हां नूं एक तरसेम सिंह मोरांली अपने एक गीत दे विच वी कहिंदे ने, भाई अमरीक सिंह निरी अग ने, भाई अमरीक सिंह निरी अग अग ने, रोब सिंह रोब बाबे ठाड़ा सिंह दा अलग है ना, इस तरीके नाल कहिंदे भाई अमरीक सिंह निरी अग है, रोब बाबे ठाड़ा सिंह दा अलग है। भाई अमरीक सिंह जो संत जरनैल सिंह भिंडराणे दे नाल हमेशा रहे और उन्हां दे नाल ही उन्होंने शहीदी पाई और भाई अमरीक सिंह दे ये भतीजे भी ने। सो मतलब ऐसे परिवार के विचों ने जिस परिवार ने सिख कौम वास्ते मतलब अपना आप नशावर किया, सिख कौम अपना वड्डा नाम भी बनाया और लोग उन्होंने सत्कार भी करते हैं। कंवर जी, भाई अमरीक सिंह तुसी मतलब उन्होंने जिहड़े सपुत्र ने उस थोड़े परिवार के विच कौन कौन आता है? भाई अमरीक सिंह के अपने पुत्र किन्ने ने, तुसी किन्ने भैन भरा हो तो, और तुसी संत करतार सिंह होरां दे किन्ने पुत्र से? देखो जी, संत बाबा करतार सिंह खालसा भिंडरां वालियां दे दो सपुत्र, वड्डे सपुत्र अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी जो 84 दे विच संत बाबा जरनैल सिंह जी दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के ते भारत हुकूमत वालों भेजियां भारतीय फौजां दा मुकाबला करदिआं ते शहादत दा जाम पी के उहनां दे जिहड़े जो फरजंद ने, लाइक फरजंद ने, भाई तरलोचन सिंह जी वो इस वेले विदेश की धरती ते ने जी, भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी संत बाबा करतार सिंह खालसा भिंडरां वाले दे छोटे सपुत्र जिन्हां ने इसे संघर्ष दे विच वड्डा योगदान पाया। उस तो बाद 8 साल वक्खो वक्खरी जेलां दे विच, कुछ पंजाब दीआं जेलां दे विच ते बाद चो जोधपुर दे जेल दे विच उन्हां ने जिहड़ा है वह समा अपना जिहड़ा है उन्हां नूं गवर्नमेंट ने उधर रख्या ते राजीव गांधी दे नाल गल्लां हुंदियां रहियां कि तुसीं कॉम्प्रोमाइज़ ते आ जाओ, पर फैडरेशन एक ऐसी वहद जथेबंदी सी, भाई अमरीक सिंह दा भराता सी भाई मनजीत सिंह जी ते हरमिंदर सिंह संधू जिहड़े विखे नहीं। सो दास वी भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी दा जिहड़ा बेटा है, उन्हां दा मैनूं बेटा होण ते जिहड़ा है वो माण है। अच्छा, जदों मैं सुनण दे विच आउंदा है कि करतार सिंह नूं जिहड़े तुहाडे दादा जी ने करतार सिंह जी भिंडरां वाले वो एक पहले शख्स सी जो भिंडरां वालियां दा नाम जदों गौरमेंट दे विच उपरली सेंटर दी सरकार दे विच गूंजदा तां उन्हां दे नाम तों गूंजदा, जदों इंदिरा गांधी दे कन्नां दे विच इह गल गूंजदी है कि भिंडरां वाला पैदा होया पंजाब दे विच तां तुहाडे दादा जी करतार सिंह भिंडरां वाले दे नाम तों। देखो, तकल्लस जिहड़ा है भिंडरां वाला इह संत बाबा सुंदर सिंह जी तों शुरू होया सी ते उस तों बाद इह जिहड़ा है हरमुखी साहिबान दे नाम दे नाल वो लगदा आया ते 13वें मुखी संत बाबा करतार सिंह खालसा भिंडरां वाले ने। ते इह गल है एमरजेंसी दी, जदों हिंदुस्तान दी प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान दे विच एमरजेंसी लगा दित्ती ते कोई 4 सज्जण इकट्ठे नहीं सी हो सकते ते उस वेले गुलामी दी जंजीरां नूं तोड़दे संत बाबा करतार सिंह खालसा भिंडरां वालियां ने जथे समेत ते समूह संगतां ने उन्हां दा सहयोग दे के ते 36 नगर कीर्तन इस धरती दे उत्ते पंजाब दी धरती ते कड्ढे, बुलंद एक आवाज़ दे नाल कड्ढे एमरजेंसी दे हुंदिआं। एमरजेंसी दे हुंदिआं। अच्छा, ते एक अपनी होंद नूं दर्शा दित्ता। बिल्कुल बिल्कुल, कि असीं पंजाब दी धरती ते सिखां दी पहचान रही है, असीं जिउंदे हां ते सानूं जिहड़ा इह गुलामी दी जंजीरां तुसीं जिहड़ियां नहीं पहना सकदे। ते 37वां नगर कीर्तन जिहड़ा इह रामलीला मैदान दे विच संत बाबा करतार सिंह खालसा भिंडरां वाले लै के गए
ਤੇ ਉਧਰ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 37ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ। ਤੇ ਉਧਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵੇਖੋ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇੰਦਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਪਲੂਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਲੋ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਬੋਲੀ, ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਲੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗ ਬੀਬੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀਰ ਆਏ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨੇ ਰੋਮ ਨੇ, ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੁਰਕੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਐਡੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਵੀ ਜਥੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਪ ਤਪ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਕ ਟੱਪਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਕ ਟੱਪ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਤਲਬ ਲੀਕ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੀਕ ਟੱਪੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਰੂਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਕਡੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਈ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ
अचानक कोई हादसा देखो प्रचार दी मूवमेंट कभी रुकी नहीं जदों संतां कोल 8 साल सी प्रचार करन दे लई ते इह 8 सालां दे विच मूवमेंट कभी रुकी नहीं ते कभी जिहड़े इह महापुरख ने कभी झुकदे नहीं हुंदे जिहड़े दुनियावी तख्तां दे अगे सो हाँ इस प्रचार दी किस्म भावें किसे वक्त ते बदलदी होए या ढंग तरीका कोई बदलदा होए पर उन्नी रफ्तार दे नाल ही संतां ने 8 सालां दे विच जिहड़ी है सिक्खी का प्रचार करने की कोशिश की। मैं समझदा है कि जे कोई सधारण मनुख ने इन्नी सेवा करनी होए तो 8 साल नहीं उन्होंने 8 जन्म लग जाने तो संतां दा अकाल चलाने का कोई किस्सा इस तरीके दे नाल है कि गड्डी दे विच सफ़र कराया करते सन जो एक स्थान तो दूसरे स्थान पर कथा करन जाना विचार करन जानी है संगतां नूं अमृत छकन दे लई प्रेरण जाना दाढ़ी केस रखने लई प्रेरण जाना तो रस्ते दे विच उन्हां दा एक्सीडेंट हुंदा है एक्सीडेंट दे नाल उन्हां दा एक पासे दी जिहड़ियां पसलियां ने काफ़ी पसलियां जिहड़ियां मिधियां जांदियां ने कई टुट जांदियां ने ते साह दे विच भी दिक्कत आ जांदी है ते 13 दिन उह हस्पताल दे विच रहे ने उन्हां दा ट्रीटमेंट हो सकदा सी पसलियां सही हो सकदियां सी डाक्टरां दे कहण दे हिसाब दे नाल पर उहदे विच इक शर्त सी कि शरीर दे उत्तों केसां नूं जिहड़ा इह कतल कर दित्ता जाणा चाहीदा सी डाक्टरां दे हिसाब दे नाल डाक्टरां दे हिसाब दे नाल तो जो संतान नूं कोई जेड़े नेड़ला सिंह का कोई पुछ नहीं सकता ऐसे सतपुरश नूं जिन्हें सारी उम्र नारा दिता होए कि सिर जावे तो जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे सिखी सिदक ना जावे वेखो किन्नी वड्डी गल है आपां कहता मैं भी कहता तुसीं भी कहता पर इस चीज़ नूं कॉम्प्रीहेंड करन दी कोशिश करो कि जो आप ते आवे तो उन्हूं नभाउणा किन्नी वड्डी गल बिल्कुल बिल्कुल वेखो गल्लां ते कर्म जे संत करतार सिंह ने तकड़ी जी तोलिया तो गल्लां दे नाल कर्म उस तों ज़्यादा भारे सी बिल्कुल बिल्कुल तो जदों अपने ते आई फिर अपने ते आई तो पूरी हंडाई उन्होंने कहा कि तुहाडे केसां दी जिहड़ी आ केस कतल करने पैने आ ते महापुरखां ने अपने धौन ते उत्ते हाथ फेर के कहा कि मैं यही नारा दिता है कि सिर जावे तो जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे जे मेरी अरदास है अरदास यही कर दिओ कि मेरी केसां सवासां दे नाल निभ जावे 13 दिन महापुरख बैड दे उत्ते रहे ने इलाज नहीं करवाया वो वाला जो कहंदे सी नहीं जी समय का भी पता से ब्रह्म ज्ञानी समय का भी पता होंगे तो गुरु के भाने च रहना एक ब्रह्म ज्ञानी तो सीखना चाहिए है क्योंकि एक ब्रह्म ज्ञानी है गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी सदजीव है नहीं मरता तो मर किवें सकता अज आप उन्होंने गल्लां कर रहे हैं। हाँ, सो इस करके उन्होंने जो उन्होंने बचन किए सारी उम्र जो संगतां नूं प्रेरिया जिस हिसाब के नाल अपने पिंडे ते हंडा के गए ने लीड बाय एग्जाम्पल असली लीडर भावें वह राजनीतिक होवे समाजिक होवे ते खास करके जिहड़ा एक धार्मिक लीडर हुंदा है उन्हूं लीड बाय एग्जाम्पल चलना पैंदा खास करके धार्मिक लीडर नूं क्योंकि धर्म के राह ते चलना ठीक है। सो इस करके मैं समझदा हाँ कि एक उच्चा ते सुचा जीवन संत बाबा करतार सिंह खालसा पिंडरांवाला दे उन्हां दा रहा। कंवर चढ़त सिंह जी तुहाडी उम्र किन्नी है? मेरी कुछ 29 साल। अच्छा इस तो पहला नहीं तुसी मतलब ज़्यादा मतलब आए हो तुसी लाइमलाइट सीगे पहला भी पर इन्ना मतलब ए नहीं कह सकते भी तुसी 21 साल 22 साल की उम्र उदों तक कित्थे सी जां उदों तक तुसी पढ़ रहे सी जां अचानक हुण सामने आउणा हुण तुहाडा तुसी काफ़ी एक्टिव हो सोशल मीडिया ते ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵੀ ਬੋਲ ਗਰਮ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਐਸਾ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਜਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਲਾ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੰਥ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੇਖੋ
गुरु महाराज के हुक्म के बिना कोई पत्ता नहीं झुल सकता, तो इस करके मैं मानता है कि गुरु महाराज की कोई रजा है कि दास इस धरती के उत्ते गुरु महाराज सेवा ले रहे हैं, होर उद्दम बल बख्शिश करन, कौम के नौजवानों बल बख्शिश करन, ठीक है, क्योंकि इधर एक नहीं हुंदा, इधर सारे इकट्ठे हुंदे, आपां एक दी वी गल करदे आ। मैं यही अरदास गुरु महाराज चरणा च करना चाहुंदा है कि नौजवानों नू जिथे वीर बल बख्शिश करन, समर्था बख्शिश करन, ते असी अपनी धरती नू महफूज रख सकीए, पंथ नू होर चढ़दी कला दे विच लैके जा सकीए, सिख धर्म का प्रचार ते प्रसार वड्डे लैवल दे उत्ते असी कर सकीए, अपने जो साडे विच पाटो धड़ पई हुई है उसनों असी सॉल्व कर सकीए। दो तरीके ने, एक तो साडे विच पारदर्शिता होनी चाहिए जिवें आपां अंग्रेजी ट्रांसपेरेंसी कह लैने, तो दूसरी साडे च निरंतर गलबात हुंदी रहनी चाहिए है जिहनूं असी कम्यूनीकेशन कह लैने। दोवें चीज़ां होणगियां तो सिख नौजवान पाटो धड़ का शिकार नहीं होणगे, नहीं तो सानू सरकारां ने साडे विच डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी कलोनीअल पीरियड तो उस तो बाद अज का हुक्मरान चला रहा है। मैं एक पुछना चाहुंदा, साडा एडा विरसा है, असीं उस धर्म तो बिलोंग करते हैं, साढ़े ओह असीं उन्हां गुरुआं दे वारिस हाँ। धन श्री गुरु नानक देव जी जिहड़े पत्नी 500 साल पहला कह गए पाताला पाताल लख अगासा गास, है ना, किन्ना ही कुछ जिहड़ियां चीज़ां साइंस ने हुण डिस्कवर कीतियां, जां गुरबाणी दे विच किहड़ी चीज़ है जिहड़ी चीज़ का जवाब नहीं है, साढ़े गुरु साहिबानां ने इन्नियां कमाल दीआं चीज़ां लिखतियां, असीं उस धर्म दे वारिस हाँ जिन्हां ते जो कोई चाह के कोई वड्डा रिसर्च करके भी उंगल चकन की कोशिश करे तो भी उंगल नहीं चक सकता, तो फिर क्यों असी मतलब असी अजे उस जगह पर क्यों नहीं है, साढ़े नौजवान उस जगह पर क्यों नहीं है, असी क्यों आपस के क्यों भिड़ जाने, साडे ऐसी कमी कितने रही है, साढ़े लीडर कामयाब नहीं है, तुहानू की लगता है साडिया सरकार कामयाब नहीं है, तो जो हूँ तक जो एडा वड्डा पहुंचा महाराजा रणजीत सिंह का राज रहा साढ़े पर उस साढ़े कि सोहना राज कहते हैं, उस तो बाद राज चले गया तो दोबारा राज दी कोई ऐसी सच्ची गल नहीं हुई, कोई इस तरीके दे नाल एडा सोहना धर्म असी लोगों तक पहुँचाना तो बहुत दूर असी अपने आप तक नहीं पहुँचा सके। तुसी नौजवान हो तो मतलब बड़ा स्पार्किंग तुहाडे दे विच बड़ा स्पार्क है इस चीज़ दे, तुसी की सोचते हो इहदा की रीज़न है भी क्यों नहीं हो सकता? तुसी तीन चार गल्लां हुणे कवर कीतियां ने, जे तुहाडी इजाजत होए तो मैं उन्हां तिन्नां चार चीज़ां नूं कवर करांगा। पहली तो गल साइंस जिहड़ी आ गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं अपने दायरे च नहीं लै सकदे, क्योंकि जो गुरु की बाणी है वह साइंस तो ता है। हुण कलोनीअल पीरियड दे विच आ के इंटलैक्ट नूं सुप्रीम आख्या गया, बिल्कुल, कि जिहड़ी बुद्धि है वह सुप्रीम है, इस तो उत्ते कोई पावर नहीं है। सो उदों बुद्धि नूं पता नहीं लगता जदों तर्क करदी करदी गुरबाणी च वड़ जांदी है, तो गुरबाणी ते भी तर्क कर लैंदी है। पहली तो गल तुहाडी दा मैं आ जवाब दे दवां कि ठीक है, गुरबाणी दे विच लिखिआ ए पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहने की बात, पर इस तो उत्ते दीआं काफ़ी गल्लां कीतीआं ने। भावें आपां हर आसपैक्ट साइंस नूं लै लो, फिजिकल रैल्म नूं लै लो, तुसीं अपने मैंटल स्टेट नूं लै लो, तुहाडी अध्यात्मक पक्ष नूं तुसीं लै लो, तुसीं राजनीति नूं लै लो, धर्म विद्या नूं लै लो, हर एक चीज़ का जवाब जो है वह गुरु ग्रंथ साहिब। ऐसा कोई कई अज ऐसे सवाल होणगे जिहड़े अज तक पैदा नहीं होए जिन्हां दा जवाब गुरु ग्रंथ साहिब ऑलरेडी हैगा, अगे जाके पैदा होणगे उन्हां दा भी जवाब गुरु ग्रंथ साहिब देणगे, क्योंकि टाइमलैस लॉर्ड है, बिल्कुल, ठीक है जी। ये आदि सच है, जुगाद सच है, भी सच नानक होसी भी सच, ये उस अकाल पुरख ने सानू बख्शिश की गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह सानू मार्गदर्शन जिहड़ा साडा करदे उस अकाल पुरख के नाल मेल दे लई, तो कोई भी जिथे इंसान की बुद्धि का पद्धर कोई भावें जिन्ना मर्जी छात्र दिमाग होए, किन्ने आई क्यू वाला होए, वीर बल वाला होए, जिथे उहदी बुद्धि मुकेगी उत्थे गुरमति शुरू हुंदी है। सो उन्हूं कन्फाइन नहीं किया जा सकता, इंटलैक्ट कदी आ नहीं दस सकती कि बाबा दीप सिंह जी का सीस उन्हां दे हथ दे विच किवें है। दूजी गल कि साडा जिहड़ा विरसा है बहुत अमीर विरसे तो असीं आउंदे हैं, साडा सभ्याचार बहुत अमीर है, धर्म बहुत अमीर है, कहण तों भाव असीं गुणां दी गल कर रहे हैं, तो हुण तक असी उस पद्धर के उत्ते इस चीज़ को क्यों नहीं प्रचंड कर सके, या कह लो कि अपने नौजवानों के उस चीज़ की रिफलैक्शन क्यों नहीं विखती, उहदे पिछे विचार है। मैं ये बेनती 8 तरीक नूं समागम च भी कीती सी, साडे राज दी जिहड़े राज दी तुसीं हुणे गल कीती है उहदी नीह गुरमत विचार दे विच्चों आई सी। सरदार चरत सिंह जी शुकर चकिया जो महाराजा रणजीत सिंह दे दादा जी सन, गुजरां वाली हवेली नूं किले दा रूप दिंदे ने, ते एक खालसा राज दी नींह रख दिंदे ने,
तो गुरु के सिखा एक बेनती करते हैं या जी लोकल संगत है उन्होंने बेनती करते हैं जत्थे दे विच गां दी गां जी है कि जेड़ा तो इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहता है वो नितनेमी हो के नितनेमी अपना सुभाव बना के तो खंडे बाटे की पहल छक के गुरु का सिंह सज के तो फिर जत्थे शामिल होवे नहीं तो राज स्थापित नहीं होना। जदों साडा राज गया है तो महाराजा दलीप सिंह नूं ईसाई मत च भर्ती कर लिया गया, केस कतल किए गए, गुरमत नालों ला दिता गया। तो उदों राज ऑफकोर्स जाना सी, महाराणी जिंद कौर भी एक गल कहिंदी कि बेटे जदों उन्हूं मिलन गया है अखां तो अन्नी हो चुकी सी, उन्हें हथ फेरिया है चेहरे के उत्ते, दाढ़ी केस नहीं लब्बे, दस्तार नहीं लब्बे, कहिंदी राज गया सी, अज सिख अज सिख कहिंदी राज गया, कुछ गया सी, बड़ा कुछ, बड़े राज वेखे, बड़े तख्त तख्तां ते बैठे, सिरां ते ताज झंडा, अज सिखी गई सारा कुछ, दलीप सिंह चल गया। सो सिखां नूं तख्तां नालों भी उत्ते सिखी है, जे सिख कोल सिखी नहीं तो तख्त ते सिख जिहड़ा है वह बैठ नहीं सकता, क्योंकि फिर सिख ही नहीं, जे सिखी नहीं तो तख्त ते बैठा बंदा सिख किवें होया। अज सानू उसे विचार के अधीन साडे ते हमले किए जा रहे आ, साडी विचारधारा ते हमले किए जा रहे हैं कि अज का जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है वह कलोनीयल पीरियड तो आंदा, कलोनीयल पीरियड का जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है वह खालसा राज दे एजुकेशन नूं खत्म करन नूं रद्द करन नूं बनाया गया सी कि असी ऐसा एक सिस्टम इंपोज कर दिए जिहदे नाल असी लो लैवल एजुकेशन दे के लो लैवल वर्कर्स असी पैदा कर सकीए। अज तक फिर इत्थे जे जदों खत्म हुंदी है गल, दलीप सिंह दी गल आउंदी है तो फिर उस तों बाद जो दोबारा गल करदे तो उदों कहिंदे कोई किस को राज ना दे है, जो ले है जोर दा बाहू बल वरतना है के वीर बल वरतना है, विचार दा बल वरतना है या हथियार दा बल वरतना है। वेखो जे लड़ाई एक पासे लगी हो तो चल आप दूसरे पासे नूं जाइए ते फिर मैदान फतेह धर्म तो दोनों बल नूं वरतण नूं कहिंदा ना, पर समय विचार के वक्त विचार सौ बंदा होए, जेड़ा बंदा टाइम रेलीवेंट स्ट्रगल नहीं कर सकता वह राज की गल ना करे। जो भाई अमरीक सिंह जी की सोच है, जो मेरे आदर्श ने परसनली जिन्होंने मैं फॉलो करदा है, ठीक है, सिर गुरु ग्रंथ साहब तो लगता किसी नूं नहीं झुकाईदा, बट जे सहमति हुंदी है कौम के योध्या अपना आदर्श मनना चाहिए है बजाय कि आप गीतकार कलाकारा तो होर पखंडियों मानते फिरीए। सो इस करके दास का आदर्श जो है वह अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह उन्होंने एक सोच सी कि सिख नौजवान जिहड़ा है उन्हों समय मुताबक संघर्ष करना आना चाहिए है, क्योंकि जे समय तो उल्ट संघर्ष करांगे, संघर्ष कितने लग्या है, कर कुछ होर रहे हैं तो फिर सफलतावां कौम के झोली के प्राप्तियां जिहड़ियां नहीं पाईआं जा सकदियां। तो कित्थे विचार वरतना है, कित्थे हथियार वरतना है, वह एक सिख नूं पता होना चाहिए है। तो उन्होंने ही ये सोच सी कि साढ़े कोल रिलीजियसली इन्ने केपेबल नौजवान होण ते उसे दे नाल जिहड़ी आधुनिक विद्या दे नाल लैस साढ़े नौजवान होण कि जे धर्म की गल आए तो उधर भी ना डोलन, तो जे सरकार नाल फेस ते गल करनी है, टेबल टॉक करनी है, उधर भी एक सिख नौजवान जिहड़ा ना डोले। दिस इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह। जो इंदिरा गांधी का राज सी उदों अखां जखा पाउण वाले पैदा होए। मैं एक गल तुहाडी पूरी कर दूं, तुसीं हुण एक सवाल कीता सी कि साढ़े सिख नौजवान इस आइडियोलॉजी तों किहड़े पासे है। कोई भी धर्म है वह प्रचार के नाल चलता है, गुरु की विचार तो एक शब्द के नाल चलता है। सानू इन सारे चीज़ों नालों तोड़िया गया, अज की एजुकेशन सिस्टम वेख लो, सानू साडे इतिहास बारे पता नहीं। जे सानू जे सिख नौजवानों पंजाब के नौजवानों पंजाब के इतिहास बारे पता होवे कि साडे ही वड्डे वडेरे सी जिन्होंने इनिया इनिया मल्लां मारियां ने, जिहड़े सिधांत दे नाल लैस सी, सिक्खी सिधांत दे नाल, सिक्खी सिदक दे नाल लैस सी, रहत मर्यादा रखते सन, किन्ने उन्हां दे उच्चे जीवन ते उन्हां चों तराश के उन्होंने अपने जिहड़े आ उच्चे किरदार घड़े हुए सन, फिर किवें कोई गुरमत तों पासे हो सकता है, किवें कोई गुरु तों बेमुख हो सकता है, किवें कोई पंजाब की धरती नूं छड्ड के ते वलायतां की धरती ते जा के, ते जे असीं मेहनत करनी आ ते सिख नौजवान जिहड़ा है इधर भी मेहनत कर सकता है। सरकारां दी नीति तां आ है कि इस धरती तों उखाड़िया जावे, भावें उह बेरोज़गारी दा इशू, भावें नशे पा के फसलां ते नसलां, साडी नसल नूं खत्म करन दे लई अज नशे जिहड़े वाड़े जा रहे। पाकिस्तान नाल बॉर्डर तां होर भी सूबियां दा लगदा है, पर सब तो ज़्यादा जे नशे दा प्रभाव वेखण नूं मिलदा है उह पंजाब दे विच मिलदा। अच्छा कंवर चरण जी, तुसीं 29 साल दे हो, जवान हो, चंगे सिख लीडर हो, चंगी समझ रखदे हो,
नरेंद्र मोदी जो सिखां दा गुरु साहिबाना दे नाल संबंधित कोई त्यौहार आउंदा है जां कोई जन्म दिहाड़ा आउंदा है जां कोई गुरमत समागम आउंदा है तां ओह बड़े शानो शौकत नाल मनाउंदे ने ते सिखां नूं बुलाउंदे भी ने। तुहाडी सोच की कहिंदी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जां 2014 तों लैके जो हुण तक पिछले 10 सालां दे विच होया जां उहनां RSS दा जिहड़ा उहनां दा नैरेटिव है ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੰਵਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਰਾਓ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆ ਉਂਝ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਚ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਸਿੱਖ ਮਸ਼ਕਤਾਂ ਝੱਲਣ ਸਿੱਖ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਧਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂਰੀਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲਏਗੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਜਾੜੇ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ ਈਸਾਈ ਆਵੇ ਪਾਰਸੀ ਬੋਧੀ ਆਵੇ ਜੈਨੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਵਾਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਐਕਸ਼ਲਸ ਕਿ ਬੜੇ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਟੂ ਫੇਸਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ
उन्होंने डिकलेयर कर दिता कि अतवादी है साढ़े जोड़े धर्म के वह संत ने भावें आप सुब्रमण्यम स्वामी जोड़ा कि सनातन मत तो है भावें वह सत्यापाल मलिक है भावें होर ने एस के सिन्हा जोड़ा जनरल पहला केस बराड़ तो पहला अपॉइंट किया गया गल आप सुन लीए तो संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडर वाले संत सी तो जोड़े है वह अतवादी नहीं सी पर साढ़े एक लेबल ला दिता जाता हर एवरी नाउ नाउ एंड दैन के सिख जो ने अतवादी ने छवि के उत्ते विलखणता के उत्ते जो जो निशान साहब ने जी निशान साहब के निशान के नाल पता लगता भी हाँ इतने गुरद्वारा है जो कि भुखा पता लगता भी इस जगह मैं खाना मिलेगा रोटी मिलेगी पहचान मिलती है भी गुरु घर है उस निशान साहब न भी हूँ बेअदबी बेइज्जत किया जाता है पर जो नॉन सिख को यूपी के किसी बंदे को बिहार के किसी को कह लो मैं सीधा कहां तो बीजेपी के प्रशंसक को जाती है तो तुम्हें भी खालिस्तानी कह के बुला चीजा कि माड़ी गल जे ये कहते हैं तो माड़ी गल है ना ठीक है मैं कह देंगे मैं लेबल भी ला देंगे मैं कई बार ऑनलाइन कह भी दिता तुम अतवादी हाँ ठीक है कहदे करके जे साडे निशान दे करके है तो ये निशान उही है जिहड़ा तुहाडा राजनाथ सिंह मंत्री ते लेह लद्दाख च जाके अपने हाथ च इन्हें निशान फड़िया तो जकारे लगाए है कि बोले सोनेहाल सत श्री अकाल फिर उदों ये अतवादी नहीं सी जे अतवादी रोटी खवांदा है करोना दे विच मैनूं गल कंप्लीट कर लैंदे वीर जी मैनूं एक मिनट जे निशान साहब ते फड़न वाले या कृपाण पहनण वाले या दमाले सजाण वाले दस्तारे सजाण वाले जदों ये निशान करोना दे विच आक्सीजन दे लंगर लाउंदा सी ते फिर वह भी अतवादी होए जे हिक डा के ते फिर चाइना दे बार्डर ते खड़दा है ते उह अतवादी है एवं तो अतवादी होना कोई माड़ी गल नहीं फिर जे तुहाडी अतवादी डेफिनेशन ही कुछ होर है तुहाडी डिक्शनरी दे विच ते मैं फिर एक गल होर पुछना चाहुंदा कि पिछले साल श्रीमान असीम गोयल हरियाणे दे एमएलए ने उन्होंने शब्द लई है कि असीं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहुंदे आ इधर कोई मैं वक्खवादी पक्षवादी नहीं कोई गल नहीं इस वेले कर रहा पर मैं उन्होंने यह सवाल पुछना चाहुंदा जे मैनूं लेबल तुसीं लाउंदे हो ना अतवादी का तो जे देश तोड़ना अतवाद के अधीन आता है तो जोड़े हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उन्होंने शब्द खाधी है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मारेंगे तो वह अतवाद नहीं यूपी के एक स्कूल के सहु चुकई जाती है एंटी माइनोरिटी सहु जी है बिल्कुल वह चुकई जाती है कि असी मारांगे या मरांगे या इस जे निशाने असी पूरा करांगे फिर उधर अतवाद नहीं आता फिर इन्ना असी दोहरे मापदंड ने दो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ जिहड़ा है वह बहुगिणती दे लई है बहुत रिलैक्सड लॉ है तो एक बहुत ही कंस्ट्रेंड लॉ है जिहड़ा साढ़े हर एक कदम साढ़े ते वाच जिहड़ी बना के रखदा साढ़े सिखां दे लई या होर माइनोरिटीज़ दे लई है हुण सानू बदनाम करन दी कोशिश कर जिहड़ी कीती जांदी है तीन तरीके ने जिहदे नाल सिखां दे न्यारेपन नूं कंट्रोल ये करना चाहुंदे ने या कोई शख्स अगे आउंदा है तो उहनूं कंट्रोल करना चाहुंदे ने पहला कि उहनूं खरीदण दी कोशिश करदे ने 90% 95-99 भी विक जाते हैं संत जरनैल सोनी सी विकया भाई अमरीक सोनी सी विकया उस तो बाद उन्होंने दबाने की कोशिश की सिख किलिंग्स भी हुई ने उस टाइम के उत्ते सिखा ने रिटैलीएशन किया तो उन्होंने अतवाद का नाम दे दिता कि एक्शन का रिएक्शन इज़ नॉट टैररिज्म अ फॉल्स एक्शन इज टैररिज्म अगेंस्ट अ हेट फ्यूल्ड बाय हेटरेड ऑफ सर्टन कम्यूनिटी हुण तुसीं वेखो कि उस तो बाद उन्हां दी किरदार कुशी की गई किन्ना किन्नी नीच गल है उन्होंने अतवादी लेबल क कर दिता गया फलाने वक्खवादी है धिमकड़ा है वो अपने हकों के लिए मूवमेंट चला रहे सी पंजाब दे पानिया दे लिए चला रहे सी जिहड़ा टैलीकास्ट है गुरबाणी का वह 20 मिनट दिन दे विच होवे केवल किन्ना औखा सी उहदे लिए चला रहे सी सचखंड एक्सप्रैस जिहड़ी चलाउण दे लिए कि एक जिहड़ी रेल श्री अमृतसर साहब आउंदी है उहनूं गोल्डन टैंपल एक्सप्रैस या हरिमंदर साहब एक्सप्रैस उहदा नाम किया जाए तो श्री अमृतसर साहब नूं पवित्र दर्जा दिता जाए दसो किन्ना क वड्डा इहदे पिछे अतवाद सी मैं पुछना चाहुंदा अज भी साडियां मंगां ने तो फिर असीं अतवादी हो गए इह किन्नियां क बेसिक मंगां सीगियां सो इस करके सिखां दी छवि खराब करके अपने कई स्टेटां दे नाम भी बदलते अपने तरीके दे नाल रख रहे ने
अच्छा मैं सीधा सीधा पूछा एक नौजवान तुसी खुली सोच रखते हो 2024 तो दे भी अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? देखो ये मैं तुहानू कोई सीधा जवाब इस वेले नहीं दे सकता, मैनू नहीं पता की करनगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो इन्हां दी ये ट्रैजेक्टरी वल चलते पे ने, जिन्हें हेटरेड दे नाल ये, जिन्हें नफरत भरी निगाह दे नाल ये बाकियों नू वेखदे ने, ते हर बीजेपी का एम एल ए हर दूसरा एम एल ए सहुं चुकता पिया है, तो मेरे ख्याल दे नाल ये वेखना कोई औखा नहीं कि किस रस्ते वल नू ये देश जिहड़ा है वह जा रहा है। पर जिहड़ी ये इन्नी कट्टर सोच है, इन्नी रेडिकल सोच है, ये देश की तबाही वाली सोच है, देश की अखंडता वाली सोच नहीं जी। मैं इस तो पहले मुसलमानों के खिलाफ सी, थानू नहीं लगता कि कुछ समय तो एक दो महीनों तो या चार महीनों तो यह हूँ ज़्यादातर पहला इनडायरैक्टली से सिखा के खिलाफ हूँ डायरैक्टली सिखा के खिलाफ हो गई है, चाहे सोशल मीडिया तो हो तैयारी है तुहाडे वर्गे सिख नौजवानों की, जी थोड़ी की अपील है तो की तैयारी है? मतलब क्योंकि हूँ तो सीधे तरीके वार होने लग गए, हूँ तो डायरैक्ट कहन लग गए, हूँ तो कई बार यहोजे कॉमेंट्स भी पढ़ते हैं अभी सोशल मीडिया से जिद साढ़े 10 गुरुओं भी यहो जी गल कह लग गए कह लग गए, जड़ियाँ मतलब नहीं कह सुन योग है जिड़ियाँ इस तो पहला डरिया करते इस तो इन्होंने कहन तो यह किरत घंटा चो निकलता पाया सारा कुछ। मैं इधर होरना तो की समझा है जिन्हों के मन के इन्नी नफरत साढ़े प्रति इस वे भरी पई है, उन्होंने जगह मैं अपने सिख नौजवानों एक गल कहना चाहना कि आप अपने इतिहास के नाल लैस होइए, गुरमत दे नाल लैस होइए, ताकि घट्टो घट जिहड़ा कूड़ प्रचार कई सिखां दे भेख दे विच भी करवाया जा रहा एजेंसियां वल्लों ते सरकारां वल्लों उहदे तों आपां बच सकीए। इह हिट करदे आ साडे न्यारेपण नूं, क्योंकि एक खालसा है कि गुरु महाराज कहिंदे आ कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मेहों करो निवास, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा। सो जिहड़ी साडी न्यारेपण दी आइडियोलॉजी है उहदे उत्ते सब तों वड्डा वार हो रहा है। असीं न्यारे रहीए, गुरु दे वफादार रहीए, गुरमत दे विच रहीए, रहत दे विच रहीए, गुरबाणी दे नाल जुड़े रहीए, तो फिर साडा कोई वाल विंगा जिहड़ा नहीं कर सकदा। दशमेश पिता आप कौम नूं अगे चढ़दी कला दे विच लै के जाणगे, वाल विंगा नहीं होण देणगे। अच्छा तुहाडे चेहरे तों जिहड़ा नूर है उह भाई अमरीक सिंह दे सामने तस्वीर लगी है, मैं देखदा ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚਲਕਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਮਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਉਲੀਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਵਲ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਰੂਪ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਕਮਰ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਮਰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਰਮ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ
सिखा दे सिर असी चुकन नहीं देने, सिखां नूं आपदे सिर चुकन नहीं देने। इस करके जो दलेरी इन्हां दे रगां दे विच खून जिहड़ा वगदा उहदे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बख्शिश की है, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह तो इन्हां नूं आउंदी है। इन्हां दी नसल खराब कर दित्ती जाणी चाहीदी, इन्हां दा शुद्धीकरण कर दित्ता जाणा चाहीदा है कि इन्हां दी धीआं भैणां दी बेपत्ती बलात्कार करके तो इन्हां च अपना बीज सिट दो। मेरे ख्याल उहनूं लगदा होएगा तो शायद ये सच असलीयत भी है कि वह आप जिहड़े है सारे नमर्द ते अकिरत घण ते कह लो कि बुझदिल बंदे होणगे जिहड़े कहणगे कि उन्हां दे जेनेटिक्स दे नाल साढ़े जिहड़े आदि भी बुझ जाणगे। तो दिल्ली दे विच भी ते इधर भी वेखण नूं बहुत वड्डे ये पद्धर दे उत्ते मिलिया। अज गोबिंद राम दे वारस ये गल कहिंदे ने कि असीं खुल के स्टेटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि जियो पोलिटिक्स इनवॉल्व हो जाती है, वख वखरे देश जिहड़े इनवॉल्व हो जाते हैं। उन्होंने साढ़े नौजवानों के जिहड़े घर नशा पा के साढ़े नौजवानों नशे दे नाल लगा के माफ करो तो एक नामरदानगी की प्रॉब्लम साढ़े सामने आ गई। अज साढ़े नौजवानों को बच्चे नहीं हो रहे, औलाद का सुख नहीं वो प्राप्त कर पा रहे। तो उहदे पैरलल सरकारां ने IVF सेंटर खोल दिते, भावें प्राइवेट हथां द्वारा खोले गए होण, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विच होण। सो अज जो नसल सी पंजाब दी नसल सी, साडी नसल कुछ एक होर तरीके दे नाल चल रही। इसे करके दास बेनती करदा है कि अज दा संघर्ष हुण आपां गोबिंद राम नूं फड़न जावांगे कि आपां नशे छडावांगे। अज जो संघर्ष डिमांड कर रहा है कि नशे जिहड़े है उहनां ते नत्थ पाउणी चाहीदी है। जे सिख नौजवान जिहड़ा है वह गुरबाणी पढ़ेगा, उस जबान ते गुरबाणी गायन होएगी, उस जबान दे उत्ते नशे का पैकेट नहीं आएगा। इस करके धर्म का प्रचार करना जरूरी है। तो दूसरी गल फसल, साडी जमीन जिहड़ी है कोई 100 गज के प्लाट ते कब्जा कर ले 20-20 साल छोड़दी नहीं। असीं अज सौखे हथीं वेच के जा रहे हैं, कल नूं भावें अही करोड़ां रुपये किले दे लई फिरीए किसी ने जमीन जी वापस करनी, इस जमीन ते मगर कंपनियां पईआं ने, प्रवासी पए ने, सरकारां पईआं ने, एजेंसियां पईआं ने, पंजाब नाल दी जमीन किते नहीं। बिल्कुल, पंजाब इह साडा होमलैंड आ, साडे तों आउण वाले समें च करोड़ां दी हो जाणी है, संभालणी चाहीदी। ओह नहीं गल हैगी कि आउण वाले समें च करोड़ां दी हो जाणी है, आउण वाले समें तुसीं करोड़ां चुक्की फिरे हो हां तुहानूं वापस नहीं देणी। बिल्कुल, जदों फ्रांसी आए सी इस धरती ते मराठियां दे अधीन उन्हां ने कई दहाके राज कीता, अपनी रियासतां बणाईआं, जदों हत्थों बाहर निकलण लगे ते मराठियां ने उन्हां तों शक्ति वापस लैणी शुरू कर दित्ती। जाते जाते उन्होंने पता लग गया कि हुण साढ़े पैर नहीं इधर लगने। फ्रांस वापस जाण तों पहलां उन्हां ने जिहड़ी जमीन है मराठियां नूं वापस नहीं कीती, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नूं दे के गए। सो एक गल जिहड़ी है इतिहासिक रेफरेंस तुहानूं तां दित्ती है क्योंकि इतिहास अपने आप नूं दोहरांदा है। जे आपां अपने जिहड़ी है जमीन नूं महफूज ना कर सके, असीं एक थां ते कतर ना हो सके, साडी शक्ति भी खिलर जाएगी। सो इस करके मैं नौजवानों को यह भी बेनती करनी चाहुंदा है कि ठीक है जे किसी का घट गुजारा हुंदा है बाहर की धरती ते जाओ, उधरों कमाइयां करके कारोबार फिर अपनी पंजाब की धरती, साडी मां बोली पंजाबी, साडी धरती मां पंजाबी, उहदे ते आके आपां अपने खोलीए। वैसे तो जिहड़ी वेखा वखाई चल रही है, मैं 50-50 किल्यां दे मालक कला कला पुत भी बाहर जाता वेख, मेरे ख्याल नहीं जाना चाहिए। सो इस करके अपने धरती दे वफादार होइए। सब तो ज़्यादा वफादारी जिहड़ी आ उह गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ते गुरबाणी दे नाल होनी चाहीदी है। बहुत शुक्रिया कंवर जी, बड़ा आनंद आया थोड़े नाल गलबात करके और बड़ी चढ़दी कला दे विच हो गया मैं भी थोड़ी गल्लां सुन के। सो ये सन सरदार कंवर चरण सिंह जी, बाबा करतार सिंह जी जो मैं पहला भी दस्या दमदमी टकसाल के मुखी से 13वें उन्हां दे पोतरे ने, और बेशक इन्हां दे विच उही गल्लां करन तों पता लगता कि हाँ सचमुच एक वड्डी शख्सियत दे परिवार दे विचों ने, और जो इन्होंने मुद्दे चके ने वो बड़े गंभीर ने। उम्मीद करते हैं इस इंटरव्यू के बहुत सारे नौजवान कुछ सीखेंगे, बहुत सारे नौजवान दे लई ये इंटरव्यू चानण मरारा होगी। अगली बार किसी नवी शख्सियत दोबारा हाजिर होवोंगे, तद तक भी सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।